तो ये देख रहे हैं आप, ये है मेरी दिन की शुरुआत। ये मेरे बच्चे क्लास फोर्थ के बैठे हैं, काफ़ी एक्साइटेड थे एक्चुअली। आज मेरे लिए बच्चे करौंदा और नींबू लेकर आए थे, अपने गार्डन में उगा हुआ, अपने घर पे उगा हुआ, बिल्कुल ऑर्गेनिक, तो बच्चे मुझे दे रहे थे। और इसके ऊपर मैं ब्लॉग बनाऊंगी, तो हम इस चीज़ का कैसे यूज़ करते हैं मैं बताऊंगी। और ये देख रहे हैं आप, बच्चे इतने मस्ती कर रहे थे और ये सारे बच्चे सोच रहे थे कि हम कैसा पोज दें, हम कैसे बैठे। तो बच्चे बैठे हुए हैं और देखिए। तो अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था हमारे घर पे एक पीपल का पेड़ है, बहुत ही पुराना है, 100 साल से भी ऊपर का है। तो ये देखिए पीपल का पेड़ कैसा दिखता है नज़दीक से। ये है मेरा प्यारा घर, ये हमारा एक छोटा वाला गेट है, जो मेन गेट है वो ये नहीं है। फिर यहाँ से जो है एंट्री होती है हमारे घर पे। ये है हमारा गार्डन जिसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से पौधे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा अपने हॉल की तरफ चले जाते हैं और वहाँ से हम जाएंगे सीधा अपने गार्डन। ये है हमारा हॉल एरिया, तो ये दूसरा उसरा वाला जो कमरा है, और ये वाला जो है ये हमारा हॉल एरिया। यहाँ डाइनिंग भी है और सीधे अंदर जाने का रास्ता, जहाँ पे आज थोड़ा गेस्ट आने वाले थे मेरे घर पे। तो ये है मेरा गार्डन, हम आ गए हैं अपने गार्डन। ये देखिए लिली कितना खूबसूरत कलर है, येलो एकदम प्यारा सा, बहुत ही ब्राइट है। और इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा हनी बी भी था, मधुमक्खी बैठी हुई थी। तो ये सदाबहार का फूल है, क्योंकि जो है हमारे दादाजी, उनको बहुत शौक़ है गार्डनिंग का, और वो हर सीज़न में अपने मौसम के अनुसार पूरे पौधे मंगवाते हैं। तो कभी डहलिया, कभी बहुत सारे गार्डन में उनके फूल हैं, जिनका तो मुझे नाम भी नहीं पता है, बट दादाजी जानते हैं। और ये देख रहे हैं, ये जो है हमारा पुराना कुआं है, क्योंकि मैंने बताया था कि हमारा घर जो है बहुत ही पुराना, कॉटन फैक्ट्री हुआ करती थी ब्रिटिश टाइम पर। तो ये पत्थर और ये सारी चीज़ें, ये बहुत ही एंटिक, मैं इनको बोल सकती हूँ, बहुत ही पुरानी है, लगभग 100 साल से भी ऊपर। और ये पूरा कुएं के साइड में रखा हुआ है, तो ये कुआं हुआ करता था उस टाइम पे। तो अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो इसके ऊपर हमने जाली लगवा दी है। और ये पत्थर जो देख रहे हैं आप, ये भी बहुत पुराना है। ये तो दादाजी कहते हैं कि जब उनके पिताजी भी छोटे थे, ये तब से पत्थर वहीं पे रखा हुआ है। तो कुआं जो है अभी वो कवर्ड है, तो इसके ऊपर बहुत सारे गमले रख दिए दादाजी ने। अच्छा, इस फूल का नाम तो मुझे नहीं पता, ये दादाजी को पता होगा, लेकिन ये इतना खूबसूरत लगता है क्योंकि ये क्रीपर है, क्लाइंबर प्लांट है, तो ये हर जगह फैल जाता है। और इसमें ये जो पर्पल कलर के फूल है ना, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। फिर गुलाब के पौधे तो हमारे घर पे ऑल सीज़न भरे पड़े रहते हैं, खूब सारे गुलाब होते हैं। तो अब जो है बारिश के वजह से काफ़ी गुलाब जो है वो नीचे झड़ गए थे, तो गुलाब थोड़े कम दिख रहे हैं। ये भी पौधे, ये भी है। फिर ये है बोगनविला, बोगनविला तो सबको पता होगा, बहुत ही कॉमनली पाया जाता है हमारे कंट्री में हर जगह। जब ये फैल जाते हैं ना दरवाजे पर, खास करके, इतने अच्छे लगते हैं और इतने सुंदर लगते हैं। तो बोगनविला में बहुत सारी वेराइटी होती है, एक वाइट होता है, पिंक होता है, फिर पीच कलर भी होता है। तो ये हमारे पास जो है वो पिंक है, इसको विद्या का पौधा भी बोलते हैं, कहते हैं कि ये जिस घर में रहे वहाँ पे लोग पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं। तो ये शो प्लांट है, देख रहे हैं आप, अब इनका मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन जो हमारे घर पे माली आते हैं सुबह, हमारे अपने माली भी हैं जो गार्डन की देखभाल करते हैं, तो जितने भी वीड्स उगाते हैं या फिर जंगली पौधे, वो हटाना उन्हीं का काम है। तो इस गार्डन में आते हैं, वो सब ध्यान रखते हैं। मुझे लगा कि ये छुई मुई का पौधा है जो मैं टच कर रही थी, लेकिन क्योंकि मैंने वो पौधा लाया था लेकिन वो सूख गया। ये है मनी प्लांट, जी नहीं, इसमें पैसे नहीं उगते। तो ये मनी प्लांट भी क्लाइंबर है, तो ये देखिए पकड़ रहा है अपनी रफ्तार, कहीं पे ये लपेट जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा अपने आप से। ये एक तरह का कैक्टस जैसा पौधा है, इसमें थोड़े थोड़े कांटे भी आते हैं, इसमें फूल भी आते हैं। और संजीवनी है, ये शायद पिट्यूनिया है, मुझे बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। फिर ये हमारा दूसरा साइड ऑफ गार्डन, यहाँ ठंडी में हम बैठते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। यही मेरा छुई मुई का पौधा था, तो अब लगता है वो सूख गया है, तो ये शायद कुछ और पौधा है। फिर सदाबहार तो आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा ये शो प्लांट्स है,
और हम चलते हैं आगे। अब कई पौधों के तो मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन इतने सुंदर फूल आते हैं। ये शो प्लांट है, जो दिखता है नारियल की तरह लेकिन शो प्लांट है। ये वाइल्ड लिली, जो मैंने अपने स्कूल वाले व्लॉग में भी दिखाया था। फिर ये भी गार्डन में साइड साइड में जो पौधे रखे हुए। अच्छा, इसका भी नाम मुझे नहीं पता, तो ये मैं दादाजी से पूछ के बताऊंगी। ये भी बहुत पूरे फूल लाल लाल फूलों से खिल जाता है, वे बहुत ही खूबसूरत लगता है। साथ ही ये है रात रानी, ये रात को खिलता है और इतना अच्छा महकता है। फिर ये हमारे गार्डन से लेके पीछे दूर तक बहुत सारे लाइन से पौधे ही पौधे रखे। और ये अशोका के पेड़ दिख रहे हैं आपको, तो इनको ट्रिम कर दिया गया इसलिए ये छोटे दिख रहे हैं। तो ये दूर तक जब ये लाइट्स है ना हमारी जो हुई है, जब ये जलती है तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो यहाँ से चलते हुए हमारा जो छोटा गेट है वहाँ पे भी ये पौधा है। फिर से ये पौधा देखिए, ये बहुत ही अच्छा पपीते का पेड़ है, इसमें खूब सारे पपीते भी उगाए हैं। अब जब ये पकेंगे तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। फिर ये जो फूल है इसका मुझे नाम नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये कौन सा फूल है और ये कौन सा पौधा है। तो कैसा लगा आपको हमारा गार्डन, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे घर पे जो है पेड़ पौधे बहुत हैं, और भी पेड़ हैं जैसे बेलपत्र हो गया, नीम हो गया, कई साल पुराने पुराने पेड़ हैं, मेहंदी का पेड़ है और भी बहुत सारे। तो मैं अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं आपको हमारे पीछे वाले गार्डन में भी लेके चलूँगी घर के। आपको बहुत अच्छा लगेगा हमारा गार्डन, क्योंकि इतनी हरियाली है और इतनी ग्रीनरी है कि लोगों को बहुत पसंद आता है। तो हम अपने इसी जगह पे वॉक भी करते हैं और सुबह सुबह वॉक भी हो जाती ग्रीनरी में। फिर यहीं पे हमने खूब सारी सब्जियां भी उगाई हुई है। तो मैं हमारे इस ब्लॉग का जो है सेकंड पार्ट बनाऊंगी। तो सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी हमने अपने घर पे क्या क्या सब्जियां बोई है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, बाय।